गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम तेजस्विनी एंड मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है होलिका, यानी आज बहुत ढेर सारा काम है। आज सुबह से बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन अभी फिलहाल 8 बज रहा है, मैं 7:30 बजे उठी हूँ। और तो अभी आई एम जस्ट हैविंग माई गर्म पानी, क्योंकि मुझे सुबह सुबह गर्म पानी चाहिए होता है। मैं आपको वो सभी चीज़ें दिखाऊँगी जो मेरे घर में होती हैं स्पेशली, ठीक है, होलिका वाले दिन। और आज होलिका यानी कि कल होली है, तो कल होली का भी ब्लॉग जाएगा। तो यस, अभी फ़िलहाल मैं गर्म पानी पी रही हूँ एंड उसके बाद मुझे लगाना है मेथी बालों में, राइट। और क्योंकि होली से पहले उसकी केयर एंड होली के बाद उसकी केयर, बालों की हालत वैसे ही बहुत ख़राब हो रखी है, तो मैंने रात में भिंगो दिया था। सो या गाइस, मैं नहा चुकी हूँ और अभी बज चुके हैं 10:30। और एक्चुअली बुकवा जो है हम हमेशा 12-1 बजे के बाद लगवाते हैं, लेकिन अभी जो आंटी लगा रही हैं वो पहले आ गई हैं, तो अब हम लगवाएंगे बुकवा। बुकवा क्या होता है एक्चुअली, सरसों जो होती है येलो वाली या फिर ब्लैक वाली, कोई भी सरसों ले सकते हैं, तो उसका हम उसको हम फ्राई कर लेते हैं और उसको हम पीस लेते हैं, बिल्कुल ग्राइंड कर लेते हैं, तो उसका जो पेस्ट बनता है वो हमें लगाना होता है। और आज के दिन होलिका वाले दिन, और उसके बाद जो हमें हम हाथ पैर में लगाते हैं उसके बाद जो बचता है वो हम जो भी डर्ट पार्टिकल्स होते हैं वो जो निकलता है, हम उसको होलिका में जहाँ पर होलिका जल रही होती है वहाँ हमें उसे रखना होता है। जो गाय का गोबर होता है, गोहरी जिसको बोलते हैं, जो यूपी बिहार से होंगे वो जानते होंगे, तो जो गोहरी होती है उसके ऊपर हमें उसको रख के वहाँ पर रखना होता है जलाने के लिए। और इसके बारे में जानते हैं कि क्यों ऐसा किया जाता है, चलते हैं मम्मी से पूछते हैं। तो गाइज, ये है वो बुकवा जिसको हमने ग्राइंड कर लिया है, ये सरसों है, इसको बिल्कुल ऐसा पेस्ट चाहिए होता है, राइट। और अब हम इसे लगवाएंगे हाथ पैर। क्यों लगाया जाता है बुकवा? इसका यही प्रॉब्लम रहा है कि भाई हर साल जो दुख सुख है, हाँ, है, वो बिल्का भी जाए, वो मतलब कि आग में दहन हो जाए, अब जो जो नया साल आने वाला है तो अच्छा से बीते। तो ये इसको हम फिर उसमें डाल देते हैं होलिका वाले में, जो इसका झिल्ली निकलता है उसको हम होलिका में जला देते हैं। अच्छा, झिल्ली ये है गाइस जो इसमें से निकलता है, जितने परिवार है सबको लगता है। तो गाइज, अगर आपके यहाँ भी कुछ ऐसा कुछ होता है, रिचुअल्स, कुछ ट्रेडिशंस, तो वो भी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हमारे यहाँ का है, जो यूपी बिहार में होंगे शायद वो जानते होंगे कि ऐसा कुछ होता है हमारे यहाँ, सॉरी हमारे यहाँ नहीं, उनके यहाँ भी कुछ ऐसा होता होगा, तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। वेलकम टू होम, ओ माय गॉड, होली का गिफ्ट आ गया। दोनों रतन आ चुके हैं, एक रतन ये है और एक कहाँ गया, ये रहे दूसरे रतन। दो अनमोल रतन हमारे घर के। और हम क्या मम्मी बता दो ना, हम क्या है? तुम तो सर हीरा। हीरा? तो रतन और हीरा में क्या अंतर होता है? रतन हीरा सोना सब एक ही बराबर है, हम महंगा वाले रतन है। ये सोना चांदी है ये लोग। बांसुरी बजा रहे हो कि भोपा बजा रहे हो? क्या हो? पूरे अच्छे से पोज में उल्टा उल्टा बजाते हो, उनको पता ही नहीं बांसुरी कैसे बजता है। अपने भी बस कभी। सो गाइस, ये मेरा छोटे वाला भाई ने लाया है। हाउ इज इट फ्रॉम मथुरा एंड आई एम कटिंग फ्रॉम हेड। This is size. Thank you for this. Welcome. Thank you for this. अब हमें गर्मी के लिए आसान हो जाएगा, इसको मुंह बांध के जा सकते हैं, जाकू बन के, राइट। मुझे भी नहीं पता होता कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मैं कुछ तो कर रही हूँ, इट्स मैटर्स। इसका क्या फंडा है? काम ऐसा करो कि सामने वाला कह दे, रहने दो भाई, इससे अच्छा हम ही कर लेंगे। तो काम ही छुड़वा ले। इस फंडे पे ये चलता है। ये इशांत, इशांत नहीं, इशांत इशांत। यार आप तो वो कर रही हो, अर्ज किया है, चलो फिर से हौले से मुस्कुराते हैं, क्या चलो फिर से हौले से मुस्कुराते हैं, बिना माचिस के ही लोगों को चलाते हैं। ये तो गलत बात है। अब हम ढूंढ रहे हैं डेंजरस कलर, भैया के अकॉर्डिंग डेंजरस कलर वो है जो बिल्कुल लगा लो छूटे ना। एक से दो वहाँ पे अकॉर्डिंग का पूरा। डेंजरस कलर मिलेगा कि नहीं?
बिल्कुल सही, अच्छा लग रहा है ना, सही लग रहा है, ले लो। गाइस इसे देख के कुछ याद आ रहा है आपको बचपन का? कुछ याद आया तुमको? असली माल तो ये है, भैया दिखाना तो जरा कैसे गुलाब जामुन का गोल बनाते हैं। स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तुम्हारा सारा स्टेप तो एक जैसा ही दिखा हमको। देखने वालों को जो तेज होंगे नहीं, फिर से बताओ, फिर से बताओ, आराम से बताओ, आराम से हिलाओ, दिखाओ। जो तेज होंगे समझ जाएंगे। पहला स्टेप, अच्छा ऐसे बनाएंगे पहला, दूसरा, दूसरा ठीक है, फिर तीसरा, तीसरा ये फिंगर पे लाएंगे तब जाके ये पूरा गोल बनेगा। अंगूठे से उसको गोल भी करते रहेंगे बीच बीच में। जो तेज है वो समझ जाएंगे, जो नहीं समझ आते हैं, जो इंजीनियर वाले बच्चे हैं वो समझ जाएंगे, जो हम जैसे आर्ट्स वाले वो नहीं समझेंगे। सो गाइस अभी भैया ने मुझे सिखाया कि कैसे हमें गोली बनाना है इसका, गुलाब जामुन का। तो आइए थोड़ा सा और क्लोज आइए, थोड़ा सा अब हम दिखाते हैं, भैया बनाएगा और मैं बनाऊंगी और देखते हैं किसका सबसे बेस्ट बनेगा। ठीक है, बिल्कुल उसमें कुछ भी क्रैक नहीं होना चाहिए। चलो जज कौन करेगा? मैं खुद करूंगी जज। क्यों? वो छोटा है, उसको कुछ समझ नहीं है, वो तुम्हारा फेवर ले लेगा तो। लेट्स सी, गेम भी तुम्हारे, नियम भी तुम्हारे, अंपायर भी तुम ही। भाई चैनल भी मेरा, तो मेरे हिसाब से होगा ना सब कुछ। नाचो नाचो नहीं करो। सी थोड़ा सा क्लोज आइए। सी रुक जाइए, अभी हुआ नहीं। देखो भैया कितना गोल बना है। सी रुक जाओ, मेरा अभी हुआ नहीं है, वेट, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। सी हाँ इधर लाइट में रखो, ये ऐसे ऐसे दिखाओगे तो फिर तो टोल तो देखो, ये हाथ ऐसे किया इस वजह से हुआ है, नहीं क्रैक नहीं है। सी क्रैक कुछ नहीं है, क्रैक सी क्रैक, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये क्रैक, नॉट अ क्रैक, दिस इज क्रैक। So, I won. बछड़ा सिखाए गाय को, सब मेरे से सीख सीख के हुए हैं। अब मुझे और आप जला दो उसको। अब मुझे यकीन है तुम मेरे ही भाई हो, तुम्हें आता है बनाने। गाइज अभी जस्ट 10 बज रहे हैं और अभी होलिका जली है, यानी कि शुरुआत हो चुकी है होली की। आई विश कि आपके घर में खूब ढेर सारी खुशियां आए इस बार होली में, आप अच्छे से होली मनाएं, सेफ मनाएं होली, किसी को हर्ट ना हो कुछ भी, राइट? और अपना भी ध्यान रखें, अपने फैमिली का भी ध्यान रखें, खूब इंजॉय करें, खूब अच्छे अच्छे पकवान खाएं, राइट? और आप मुझे अपने भी होली के एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कॉमेंट बॉक्स में। साथ ही आपको विश अ वेरी वेरी हैप्पी एंड सेफ होली, खूब खुशियाँ मनाएं और खूब एंजॉय करें। तो मिलती हूँ आपको दूसरे ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड खुश रहें। हैप्पी होली गाइज़।